नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टीन प्लेट कंपनी के TSIL एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। बीएड प्रशिक्षुओं को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का विरोध बीएड के विद्यार्थियों ने किया। चौका मोड़ पर विभिन्न पारंपरिक ग्राम सभाओं ने झारखंड राज्य के भाजपा विधायक CP सिंह का किया पुतला दहन। और गोविंदपुर इलाके में सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने से स्थानियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का जताया आभार। खबरें विस्तार से। टीन प्लेट कंपनी के TSIL एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। वहीं कोल्ड रोलिंग मिल का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि टीन प्लेट कंपनी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके बाद का ये सबसे बड़ा विस्तार किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल्ड रोलिंग मिल 3 लगा रही है। टीन प्लेट कंपनी में टाटा स्टील लगभग करोड़ों रुपए निवेश कर रही है। इससे शहर में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां के लोगों और युवाओं को रोजगार काफी मिलेगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है और कंपनी आने के लिए इच्छा भी जताई है। मैं समझता हूं कि इस देश को लोगों ने टाटा बिरला समूह के नाम से जाना है। यह देश और राज्य को आगे बढ़ाने में टाटा समूह का योगदान काफी रहा। टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी बनकर तैयार है, जल्द उद्घाटन होगा। टाटा समूह होटल व्यवसाय में भी अपना एक अलग पहचान रखता है। वहीं सरकार पर्यटन में भी काफी ध्यान दी है और काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये बने और इससे लगभग प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोग, अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 7 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं औद्योगिक विस्तारीकरण पर ये एक बेहतर कदम है और हम लोगों ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी देश के समक्ष रखा है इससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं और इसके साथ साथ कई इंडस्ट्री भी यहाँ पर उद्योग लगाने की तैयारी में है। कई तो लगे भी, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हो गया, प्रोडक्शन भी चालू हुआ। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी हम लोग करीबन 400,000 टन टिम्पलेट बनाते हैं सालाना। इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर एडिशनल 300,000 टन की प्रोडक्शन होगी। जमशेदपुर में बीएड के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का विरोध बीएड के विद्यार्थियों ने किया। इसका विरोध मंगलवार को जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर किया। छात्राओं का कहना है कि द्वितीय सेमेस्टर के छात्राओं को 2 महीना के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। बहरागोड़ा, घाटशिला समेत अन्य प्रखंडों के ग्रामीण स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां उनके आर्थिक नुकसान के साथ साथ उन्हें कई तरह के मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। इस कारण छात्राएं उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची थी। मालूम हो कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीएड प्रशिक्षुओं को स्कूल सीधे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची से आवंटित किया जा रहा है। सेमेस्टर 3 बीएड डिपार्टमेंट जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंटर्नशिप जो है 3rd सेमेस्टर का, वो मार्च में शुरू होना था। ठीक है, होन तो वैसे जनवरी में चाहिए था, बट काफ़ी डिले के बाद हमारा मार्च में हम लोग गए और हमारा ऑलरेडी 20 डेज का जो है वो हो चुका था। 20 दिन हमने ऑलरेडी कर लिया था और कुछ इशूज़ के वजह वो अचानक से बीच में कैंसिल हो गया। हम सब जो है ऐसे ही बैठे हुए थे घर पे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है। तो फाइनली आज जाके जो है हमें पता चला कि हमें दूर दूर भेजा गया, आउटस्कट, झारखंड का जो आउटस्कट है वहाँ पर भेजा गया, जैसे ढालगुमगढ़ हो गया या घाटशिला हो गया। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादातर वीकर सेक्शन रिप्रेजेंट करता है और वो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। तो वहाँ पर जो सेफ्टी इशूज़ है, क्योंकि हमारी कोई पोस्टिंग तो वहाँ पर हो नहीं रही है कि हम उतने दूर रोज़ ट्रैवल करना, आना जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एक वीकर सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू था लड़कियों का। ऊपर से हमारा जो है अभी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अभी हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए था 3rd सेमेस्टर का, लेकिन हमारा एग्जाम भी नहीं हो रहा, इस वजह से ये पूरा लटका। किससे मिलने के लिए आई हैं? हम लोग आए थे DC से मिलने के लिए, बट यहाँ पे हमारे PA से बात हुई है, उन्होंने बोला है वो हमारा एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो आज ही जो है वो DEO जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको भेज दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि परसों हम 11 बजे जाके उनसे मिलेंगे और अपनी बातें रखेंगे।
और चौका मोड़ में विभिन्न पारंपरिक ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड राज्य भाजपा विधायक सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट संथाली भाषा ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता संजीव टुडो ने कहा कि ये सर्वविदित है। 22 सितंबर 2003 को संथाली भाषा को भारत का संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, परंतु भाजपा विधायक सीपी सिंह ने जानबूझकर आदिवासियों को नीच दिखाने के लिए संथाली भाषा ओल चिकी लिपि में प्रकाशित पर संथाली भाषा व लिपि को नीच दिखाने जैसी टिप्पणियां कर आदिवासियों के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम किया। इसलिए आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करती है एवं आदिवासी समाज सीपी सिंह भाजपा विधायक को आदिवासी विरोधी व ओल चिकी लिपि विरोधी मानते हुए उनका पुतला दहन कर विरोध जताई है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने की खुशी में गोविंदपुर की जनता ने मंत्री बन्ना गुप्ता का अभिनंदन किया। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से यह निर्माण कार्य स्वीकृत हुई है। बता दें कि गोविंदपुर क्षेत्र की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई थी और आए दिन इसमें दुर्घटना होते रहती थी। यहां लगभग 7 किलोमीटर की सड़क 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गई। इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता का अहम योगदान रहा, जिससे खुश होकर गोविंदपुर क्षेत्र की जनता ने स्थानीय जिला परिषद सदस्य डॉक्टर पारितोष सिंह के नेतृत्व में मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र में जल्द ही ROB का निर्माण होगा। वहीं जिला पार्षद डॉक्टर पारितोष सिंह ने कहा, क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने इस सड़क निर्माण हेतु आंदोलन किया था और आज यह सफल हो रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से आज यह सौगात क्षेत्र की जनता को मिली है, जिससे जनता में काफी खुशी है। करीब 14 सड़कें हैं जो 5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई हैं। हमारे जिला परिषद के सदस्य और हमारे छोटे भाई परितोष सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, कई बार इन लोगों का प्रयास हुआ कि इस रोड को बनवाया जाए, तो हम लोगों ने लगातार इनके इस प्रयास पर हम लोगों ने काम किया और आज ये 14 सड़क स्वीकृति हो गई है और मैं समझता हूँ कि ये महीना डेढ़ महीना के अंदर काम भी चालू होगा। इधर पोटका के हल्दी पोखर हाता के बंद सभी दुकानें आज खुली, वहीं 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताया जा रहा है कि हल्दी पोखर में रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा पथराव कर दिया गया था, जिसमें स्थानीय मुखिया देवी भूमिज घायल हो गई थी। हल्दी पोखर के लोगों ने असामाजिक तत्व पर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। वह स्थानीय लोगों की मांग थी कि जब तक असामाजिक तत्व और CO पर कार्रवाई नहीं होती है तो दुकानें बंद रहेगी। वहीं पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, अन्य लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं लोगों ने बंद हाता और हल्दी पोखर के सभी दुकानों को आज खोल दिया। जमशेदपुर के डुमरिया थाना क्षेत्र के बांकुलचंद्र गांव की एक नाबालिग लड़की 19 मार्च से गायब, परिजन परेशान। वहीं जिला परिषद सदस्य पार्वती मुंडा और मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने आज डुमरिया थाना प्रभारी संजीवन उरांव से मुलाकात की और लापता लड़की सुनीता नायक को जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए अनुरोध किया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य पार्वती मुंडा और मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि डुमरिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की लापता हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द लड़की बरामद की जाए। मामला ऐसा है कि डुमरिया का जो बाकुड़छंदा है, बाकुड़छंदा से एक लड़की सुनीता नायक बोल करके 19 मार्च से घर से गायब हैं, तो उनको मिलने के लिए हम लोग थाना प्रभारी के पास आए थे और उसमें हम लोग को काफ़ी मदद मिली है और बहुत जल्दी ही हमारे थाना प्रभारी जी इस काम को करेंगे और लड़की को वापस लाएंगे। चल पाई अभी तक? हाँ, कुछ पता चला है। जिस लड़के से लड़का ने फ़ोन किया था तो वो नंबर मिला है, उस नंबर के अनुसार ही बड़ा बाबू ने पता लगाया है कि वो UP लखनऊ का दिखा रहा है, तो उस पर बड़ा बाबू ने काम चालू कर दिए हैं, जारी रखे हैं और बहुत जल्दी ही लड़की वापस आएगी। प्रशासन सक्रियता के साथ इस केस को देख रही है और ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी या इस तरह की लड़कियों का पलायन होना झारखंड के लिए बहुत ही सहज बात हो गई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है। हमारी पूरी टीम प्रशासन के साथ बातचीत की, प्रशासन इस पर अपनी काम जारी रखा है। वहीं लड़की के पिता कानू नायक ने कहा कि थाने में शिकायत की गई है और मेरी बेटी 19 मार्च से लापता है। लड़की लखनऊ हो गया है, 19 मार्च में गायब है और हम आवेदन दिया है थाना में प्रशासन को, मेरा बच्ची हो गया है। बोकारो जिले के गुमिया प्रखंड अंतर्गत
साड़म बाजार श्री दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को श्री महावीर जयंती धूमधाम व भक्ति भावना से मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों द्वारा सुबह में साड़म बाजार में प्रभात फेरी निकाली गई, जो साड़म बाजार के विभिन्न क्षेत्रों से घूमते हुए पुनः जैन मंदिर में समाप्त हुई। तत्पश्चात मंदिर में पूजन पाठ आदि का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जैन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच खीर भोग प्रसाद का वितरण किया गया। आज हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। सारे जैन समाज साड़म हर्षोल्लास से इसको मना रही है। उस दौरान हम लोग खीर का वितरण कर रहे हैं सारे समाज के बीच में। जय भगवान की। और सकल जैन संघ जमशेदपुर द्वारा सोमवार को साक्षी जैन संघ परिसर में सामूहिक रूप से महावीर जन कन्यालक महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर सुबह 8 बजे साक्षी जैन भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा साक्षी जैन भवन से शुरू होकर साक्षी गोल चक्कर, संजय मार्केट, गुजराती स्कूल होते हुए पुनः साक्षी जैन भवन पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से साक्षी जैन भवन सभागार में सभा एवं प्रवचन का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शामिल तमाम लोगों ने विश्व शांति का संदेश सभी को दिया। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज जैन संघ के छह संघ जमशेदपुर में जितने संघ सब आज एक मंच पर आज उपस्थित है। ये बहुत बड़ी बात है। दो गुरु जी भी आए हैं बाहर से। हमारे आज हमारे स्थानक में आज स्वयं पूज्य श्री आदर्श चंद जी माया साहब तथा स्वयं मुनि माया साहब आज हमारे सानिध्य में भी उपलब्ध है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरा नाम राजीव कुमार गांधी। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने पर झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार, कांग्रेस प्रदेश सचिव जेबा खान, प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे, फिरोज खान ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम जनता को ठगने का काम कर रही है। देश की जनता जान चुकी है, युवा बेरोजगार हो चुके हैं और रोजगार नहीं है। दवाइयों में 25% की वृद्धि हो चुकी है, लोग परेशान हैं। आने वाले समय में देश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। अदानी और मोदी जी का जो संबंध है, अदानी का पैसा पूरा, मोदी जी और भाजपा का पैसा 10 लाख करोड़ जो है, 10 लाख करोड़ जो है भाजपा का पैसा है। अदानी जी सिर्फ एक मुखौटा है, पूरा पैसा मोदी जी का है। तो भारत ने इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इतनी भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कितना भी ईडी सीबीआई और डिस्क्वालीफाई कर ले, पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। अगर संसद में बंद कर देंगे तो हम सड़क पर सवाल करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक सवाल पूछा जाएगा। ये कभी लड़ाई है, लड़ाई बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हुई है। आप देखा होगा राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, तो किसी भी कीमत पर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म। TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality, 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ।
60 से 40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और पुतला दहन किया। वहीं आंदोलन कर रहे छात्र ने कहा कि अब तक सही तरीके से सरकार नियोजन नीति नहीं बना पाई है, झारखंड में युवाओं का हक मारा जा रहा है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा नियम बनाए कि राज्य के 100% युवाओं को नियुक्ति मिले। कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इस नियमावली को आनंद फानंद में लागू किया गया जो काफी त्रुटिया है, जिसका झारखंड के युवा विरोध कर रहे हैं। जो झारखंड सरकार नियुक्ति के लिए नई नियमावली लेकर आई है उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि 60% झारखंडियों के लिए है और 40% जो है वो पूरा सारा भारतवर्ष के लिए खोल दिया गया है। ये झारखंडियों का हकमारी है, ये झारखंडियों के युवाओं के लिए ये नाइंसाफी है। इसलिए हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि 100% ऐसा नियम बनाइए जिसमें झारखंडियों युवा को 100% यहाँ की नियुक्ति मिले। और घायल मुखिया देवी भूमिज को देखने आज जिला मुखिया संघ ने हल्दीपोकर आवास पहुंचे और हालचाल जाना। वहीं एसपी और एसडीओ से मिलकर पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष पाल तन मुर्मू ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी में घायल मुखिया देवी भूमिज को आज मुखिया संघ के प्रतिनिधि हल्दीपोकर उनके आवास पहुंचे और हालचाल जाना। इस घटना का कड़ी निंदा की और पत्थरबाजी करने वालों पर कड़ी से कार्रवाई करने की मांग की गई। और जिस तरह का घटना घटी है हम लोग पुलिस मुखिया संघ की ओर से हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग प्रशासन को भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि यथाशीघ्र मुखिया जी का समुचित इलाज का व्यवस्था कराएं और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, इस तरह के घटना में संलिप्त जो पाए जाते हैं, एक एक हर व्यक्ति जो है जो इस घटना में शामिल है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और हम लोग अभी तत्काल के लिए हम लोग अभी ब्लॉक के वीडियो और हमारे जो थाना प्रभारी है उनसे जाके मिलने का काम करेंगे अभी और उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई। अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग आने वाले समय में जिला मुखिया सिंह की ओर से हम लोग जोरदार आंदोलन के लिए बैठे होंगे। इंदिरा एमजीएम अस्पताल में महिला वार्ड में पुरुषों का जमावड़ा होमगार्ड द्वारा खदेड़ कर बाहर निकाला गया। एमजीएम अस्पताल में महिला वार्ड में पुरुषों का जमावड़ा होमगार्ड के जवान द्वारा पुरुषों को बाहर निकाला गया। मामले के संबंध में होमगार्ड इंचार्ज पिंटू ने जानकारी दी। वहीं एक युवक द्वारा महिला वार्ड का वीडियो बनाया जा रहा था जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया और वीडियो भी डिलीट किया गया। बार बार महिला वार्ड से शिकायत आती है कि जेंट्स घुस के सोए रहते हैं, तब हम लोग वार्ड पेट्रोलिंग के दौरान देखे कि कुछ जेंट्स अंदर घुस के सोए हुए थे, उनको हम लोग बाहर निकाले जो कि महिला वार्ड सुरक्षित रह सके। और भी सब लड़का लोग अंदर घुसा हुआ था, बहुत से जेंट्स लोग सोए हुए थे, बैठे हुए थे, लेडीज लोगों रहती है उनको प्रॉब्लम होती है। क्या किया आप लोग? सभी लोग को बाहर निकाले वार्ड से। क्या कहा लोगों को? चेतावनी दिया गया कि बाहर रहिए, अंदर नहीं घुसने का है, लेडीज वार्ड में एक ही लोग रहेंगे, महिला वार्ड है, इसमें नहीं महिला वार्ड में ही महिला अटेंडर रहेगी, जेंट्स नहीं। तो कुछ लोग सोए हुए भी देखा गया महिला वार्ड में? हाँ, कुछ लोग सोए हुए थे जिनको हम लोग डांट डपट के बाहर किए। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार, इंचार्ज हुए ना? इंचार्ज। बिरसा नगर जोन नंबर 2B में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन का घेराव किया जा रहा है। इसी सिलसिले में स्थानीय महिलाओं द्वारा डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। बिरसा नगर जोन नंबर 2B में सरकारी जमीन का घेराव भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसे खाली करवाने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जब वे लोग सरकारी जमीन पर रहते थे तब उन्हें सरकार द्वारा खाली करवाया गया था, तो अब जब भू माफियाओं द्वारा जमीन का घेराव किया जा रहा है तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कहां से आप लोग आए हैं? बिरसा नगर जोन नंबर 2 की। किसके खिलाफ आए हैं? हम लोग जो लोग जमीन, जो सरकारी जमीन घेर रहा है उसी का खिलाफ आए हैं। और बस्ती का गरीब इंसान जो लोग झोपड़ी बनाया है, जो प्रशासन तोड़ दिया है, उसी का खिलाफ में हम लोग आए हैं। प्रशासन कब आप लोग को हटाया था? 15 रोज पहले। 15 रोज पहले हटाया है। अब कौन कब्जा कर रहा हूँ जमीन को? ओ, जमीन पहले से कब्जा करके रखा बस्ती वासी, वहाँ झोपड़ी बना के रह रहा था, जो लोग का घर नहीं है, बच्चा पालने का दिक्कत है, गरीब इंसान सब बैठा हुआ था। सरकार का 3 एकड़ जमीन है। तो प्रशासन हटा दिया था? हाँ, प्रशासन हटा दिया था। तो अब कौन घेर रहा है? आप घेर रहा प्रेमचंद पाठक,
प्रेमचंद पाठक गुरुचरण मतलब जमीन माफिया है लोग जमीन लोग घेर रहे उसी जमीन हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो लोग घेरा है सरकारी जमीन को तो वो लोग का भी तोड़े। जब बस्ती वासी को तोड़ दिया है तो बाहर का इंसान कैसे करके बना रहा है? उन लोग को भी हटाए। हाँ, लोग को भी हटाए। इधर सीताराम डेरा में पड़ोसी द्वारा एक युवती को समझाने के क्रम में पिटाई किए जाने में युवती घायल हो गई। युवती की मां और पड़ोसन द्वारा एमजीएम में भर्ती करवाया गया। सीताराम डेरा थाना स्थित भालोवासा स्लैग रोड निवासी सुवर्णा कुमारी की बेटी रेशमा की दिमागी हालत सही नहीं है और लगातार माँ सुवर्णा से किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। सुवर्णा द्वारा बेटी के संबंध में बिंदिया मुखी नामक महिला से बात करने पर बिंदिया मुखी ने शनिवार को रेशमा की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें रेशमा पूरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं सुवर्णा का कहना है कि वे लोग बिंदिया के खिलाफ थाना में केस दर्ज करेंगे। क्या हुआ, मामला क्या हुआ था आपका बेटी के साथ? मेरी बेटी का थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है तो हमेशा मेरा साथ क्यों में थोड़ा होता है, मैं हम कुछ उसको बोलता है तो थोड़ा ये हो जाता है। तो उन लोगों को उसको भी जानकारी हुआ कि आपका बेटी आपका साथ कुकुमे में हमेशा होता ना, हाथ उठ छोड़ता हम हाँ बोले, तो हमको बोली हम आपका बेटी को घर जाके दो तीन थप्पड़ मारेंगे। कौन तो बोला? वही अपने बोली। कौन? बिंदिया मुखी जो है वो बोली। वो कहाँ रहती है? वो रहती है कहाँ है, इधर भट्टा तरफ या कहीं, लेकिन तो उसका मान लोग है वहीं पर वो आती जाती है, बस्ती में आना जाना करती है। एक ही बस्ती में घर है? बस्ती में हाँ, माँ घर है उसका। हाँ, उसका माँ घर है, वहीं पर वो बैठे रहे। अच्छा, फिर? तो बोली हमको कि तुम्हारा बेटी ऐसे ऐसे हो रही है, हम बोले हाँ क्या मालूम उसका दिमाग की हालत भी क्या मालूम कैसा है जी। तो वो जब आई इसका साथ तो बाता बाती जब हुआ तो हम उसको समझा बोले, समझाने के लिए बोले उसका बात तो ये बोली तुम कहे आई हम लोग का घर, तुम तो मेरे साथ पास 2000 रुपया मांग रही थी, तो 2000 रुपया के बारे हम कुछ नहीं जानते सर, इसको जब मांगने आई थी ना 2000 रुपया का बारे हम नहीं जानते। आप उसको बुलाए समझाने के लिए? हाँ। वो मारपीट कर दी? हाँ, ज्यादा मार दी? हाँ, वो मारना ज्यादा मार दी, ये मामला जो मारा नहीं भी हाँ। और उसको हम बोले भी कि अच्छा ठीक है मेरा साथ ये हो रहा, और वो खाली हम महिला समिति बोल रहा था ठीक है उसको थोड़ा थोड़ा समझाइए ये बोले हर, ये इतना नहीं बोले कि इसको मार के मारा तो बोले ज्यादा मार दिया, ज्यादा बहुत ज्यादा मारा। फिर शनिचर को पूरा शनिचर को फिर ये देखी उसको रोड में वो बैठी थी, ये जाके बोली ये बिंदिया तुम हमको काहे मारी, इतना मारी जो मेरा इतना जख्म, तो रोड में जो शनिचर को जो मारा है बहुत बेरहम कर पूरा सिलाई करोड़ में। आज इसको हॉस्पिटल लेके आ बेटी? आज हम लोग हॉस्पिटल यहाँ पर मुखिया को हम लोग बोल गए वहाँ। अब क्या करेंगे आगे आप? हम लोग केस करेंगे। किसके ऊपर? विद्या मुखी का ऊपर में केस करेंगे। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के स्टील प्लांट विस्तारीकरण जन सुनवाई विरोध और समर्थन के बीच संपन्न 1971.34 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट होगा स्थापित। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के तत्वाधान में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 1.2 MTPA इंटीग्रेटल स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और विस्तार को लेकर सोमवार को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। भारी विरोध और समर्थन के बीच जन सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत बड़ी तादाद में कंपनी के आसपास गांव के ग्रामीण राजनीति दल के कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां 2 घंटे से भी अधिक चले जन सुनवाई में गहमा गहमी का माहौल रहा। प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत डीसी की अध्यक्षता में गठित की गई जन सुनवाई कमेटी में प्रमुख रूप से कमेटी के अध्यक्ष ADC सुबोध कुमार, SDO रामकृष्ण कुमार, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह, टाटा स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव आशुतोष कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। जन सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहां घंटों चले जन सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वॉक आउट कर गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि कंपनी के प्रस्तावित है प्लांट विस्तारीकरण से 10 किलोमीटर दूर जन सुनवाई का आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में लोगों को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, जो कंपनी के मंशा को जाहिर करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची मुख्यालय में मामले की शिकायत की जाएगी। वर्तमान में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कंपनी द्वारा उत्पादन से प्रदूषण फैलाए जाने के मुद्दे को वमहिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेताओं ने जोरों से उठाया। इस मुद्दे पर सभी ने एक सुर में जोरदार विरोध करते हुए प्रदूषण रोकथाम के उपाय की मांग रखी।
भाजपा नेता रमेश हांसदा ने जनसुनवाई को अवैध करार देते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली ने कहा कि कंपनी के विस्तारीकरण का विरोध नहीं करते, लेकिन कंपनी द्वारा प्रदूषण रोकथाम के उपाय को पहले किया जाना जरूरी है। जनसुनवाई कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार, जिला अध्यक्ष बिशु हेम्ब्रम, भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सरदार, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रश्मि साहू, आसू नेता प्रोफेसर रविशंकर प्रसाद, झारखंड श्रमिक संघ के अध्यक्ष जसवीर सिंह बाबू, दुर्गा सोरेन, सेना के जिलाध्यक्ष सनी सरदार समेत बड़ी संख्या में भाजपा, कांग्रेस, आसू और जेएमएम के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर किए जाने के लिए उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार मैंने इस लोक सुनवाई में अध्यक्षता की और इसमें मुख्य रूप से जो है वो कंपनी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि जो आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जाना है वह किस प्रकार का है, क्या है, उसके डिटेल्स को वो लोग बताते हैं तो वो उन लोगों ने बताया। उसके बाद काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग यहाँ पर आए हुए थे, कई लोगों को कई बिंदुओं पर विरोध, सहमति आदि रहती है, इसी के लिए ये लोक सुनवाई रखी गई थी। इसमें लोगों ने मुखर होकर के अपनी अपनी बातें रखी हैं और उन सब की वीडियोग्राफी कराई गई है। वीडियोग्राफी के ही आधार पर और जो भी उन्होंने अपना नाम पता बताया सबके नाम के साथ उसकी प्रोसीडिंग पूरी बनाई जाती है और उसको बना करके झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा जाएगा, वहां से फिर दिल्ली भेजा जाता है। वह फिर उस डिपार्टमेंट का अपना काम है कि उस पर क्या निर्णय करती है क्या नहीं करती। सबसे पहले बात तो कि इतना दूर जहां पर प्रभावित क्षेत्र है आज तक हमने कहीं नहीं देखा, हमने कई जनसुनवाई अटेंड किया है, कहीं नहीं देखा कि जहां पर प्रभावित क्षेत्र होता है वहीं जनसुनवाई होती है। एक तो इलीगल काम इन लोगों ने किया, कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके पक्ष में जनसुनवाई कराने के लिए प्रदूषण विभाग की ओर से ये सोची समझी षड्यंत्र और साजिश के तहत आज इतने दूर पर यहाँ किया। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ हम लोगों ने बहुत देर तक लड़ाई लड़ा, अंततः हम लोग को जनसुनवाई में भाग लेना पड़ा, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है आदरणीय रतन टाटा जी जैसे शख्सियत की टाटा कंपनी जो आज पूरे देश ने दुनिया में एक शख्सियत है इंसाफ के मामले, आज उनको भीख मांगना पड़ रहा है, उनके आज संगठन को भीख मांगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का जो रुतबा है ये घटा है। सरायकेला जिला में 60 से 40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन सरायकेला खरसावा के बैनर तले विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में छात्रों ने हाथों में तख्तियां थामे और नारेबाजी करते हुए सरायकेला बाजार स्थित नए सरायकेला अनुमंडल कार्यालय के समीप से विरोध रैली का शुभारम्भ किया, जो तकरीबन 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए मुख्य सड़क मार्ग से जिला समाहरणालय पहुंची। वहां जिला समाहरणालय के समक्ष पहुंच गए छात्रों ने सभा की, जिसके पश्चात स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें 60:40 के फार्मूले पर नए नियोजन नीति के स्थान पर खतियान आधारित और 90:10 के फार्मूले के आधार पर नियोजन नीति निर्धारित करने, ओबीसी आरक्षण वाले 7 जिलों में शून्य को वापस लेते हुए बिहार के तर्ज पर झारखंड राज्य में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना के बाद सभी वर्गों के लिए जिला स्तर पर आयोजन के लिए आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में सत्र 2023-25 में नामांकन लेने, उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून के तर्ज पर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटालों तथा परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम उपाय अध्यादेश लागू करने। झारखंड सरकार जो नीति बना रही है 60 और 40 के रेशियो से नियोजन नीति बना रही है, इसके विरोध में हम लोग रैली निकाले, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे राज्य जिसमें 90:10 की रेशियो से वहाँ नियोजन नीति बनाया गया, लेकिन हमारे राज्य में 60:40 की इसका विरोध में रैली निकाले, क्योंकि 40% मतलब बहुत संख्या में यहाँ बाहर के लोग आएंगे, नौकरी करेंगे और जो 60% है कहीं ना कहीं कल भी वो यहाँ पे कब्जा करेंगे। इसीलिए आज हम लोग विरोध रैली कर रहे हैं कि जो बाहर राज्य में ऐसा 10% अब बाहरी राज्य के लिए दे सकते हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन 40% का स्वीकार नहीं है। इधर हरप्रीत का नाम प्राथमिकी से हटाए जाने के बाद नवीन सिंह के साथ ही पहुंचे एसएसपी ऑफिस, साथियों का आरोप पुलिस हरप्रीत को बचा रही।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कोर्ट परिसर में 27 मार्च को मनप्रीत सिंह हत्याकांड के आरोपी नवीन सिंह पर गोली चली थी। नवीन सिंह के साथियों का आरोप है कि कोर्ट परिसर के बाहर हरप्रीत खड़ा था और जैसे ही नवीन सिंह गेट पर पहुंचा वह चिल्लाया कि यही नवीन सिंह है। इसके बाद आरोपियों ने उस पर गोली चलाई थी। नवीन सिंह ने हरप्रीत के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब नवीन सिंह के साथियों का आरोप है कि पुलिस हरप्रीत को बचाने में लगी है। हरप्रीत को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। नवीन सिंह के साथियों का आरोप है कि पुलिस ने हरप्रीत का नाम प्राथमिकी से हटा दिया है। इसी को लेकर नवीन सिंह अपने साथियों के साथ सोमवार को साक्षी स्थित SSP ऑफिस पहुंचा और SSP ऑफिस में मामले की शिकायत की है। मामला है कि 3 नंबर गेट पे अभी 2-3 दिन पहले नवीन सिंह पर फायरिंग हुआ था। उसमें जो फायरिंग किए थे उनको जो मैंने हम लोग गए थे, फिर फायरिंग में जो लड़का बताया था यही नवीन सिंह है और उस पर गोली चला था, उसका नाम हरप्रीत सिंह का नाम FIR में हम लोग वहाँ पे दिए थे कि यही लड़का दिखाया नवीन सिंह को कि गोली यही नवीन सिंह है गोली चलाओ। तो उसका जो पुलिस की तरफ से FIR हुआ है उसमें नवीन सिंह हरप्रीत सिंह का नाम हटा दिया गया है। इसी विषय में हम SP साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं कि मतलब कि मतलब क्या हुआ है कि क्यों उसका FIR में उसका नाम नहीं दिया गया है, क्या कारण बस इसी विषय में हम वेट कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव जेवा खान ने राहुल गांधी के सदस्यता रद्द मामले पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेवा खान ने कहा कि भाजपा विपक्ष को दबाना चाहती है, राहुल गांधी से भाजपा डर गई है। करोड़ों रुपया खर्च कर राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी को लोगों का जन समर्थन मिला, भाजपा घबरा गई है। वहीं देश की सारी संस्था को अडानी को बेचा जा रहा है। राहुल गांधी से सत्ता पक्ष के लोग काफी डरे हुए हैं। महंगाई से जनता काफी परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, केवल झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। और भाजपा सरकार इस तरह की, जिस तरह पहले पुलिस को भेजती है, फिर के उनको राहुल जी को सजा होती है, उसके बाद से सदस्यता रद्द कर दी जाती है और फिर उनका घर लिया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी राहुल गांधी जी से डर गई है। और राहुल जी का सवाल क्या गलत था? यही तो सवाल था कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? जब विदेशों में आप जाते हैं कोई भी देश के लिए बात करने, तो अडानी जी या तो पहले से पहुंच जाते हैं या बाद में ज्वाइन कर लेते हैं या साथ जाते हैं, तो आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है? आप देश की सारी सरकारी संस्थानों को, सारी संपत्तियों को सिर्फ अडानी को बेच रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है? ये गलत क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। और राहुल जी का ये मांग था, कांग्रेस पार्टी की मांग थी, पूरे विपक्ष के MPs की मांग थी कि आप JPC का गठन कीजिए। इसमें चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टीन प्लेट कंपनी के TSIL एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। बीएड प्रशिक्षुओं को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का विरोध बीएड के विद्यार्थियों ने किया। चौका मोड़ पर विभिन्न पारंपरिक ग्राम सभाओं ने झारखंड राज्य के भाजपा विधायक CP सिंह का किया पुतला दहन। और गोविंदपुर इलाके में सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने से स्थानियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का जताया आभार। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।